जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने 2022 के गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर यह ऐतिहासिक ऐलान किया था कि देश के अंदर एक और नेशनल डे राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा जिसका नाम दिया गया वीर बाल दिवस और वो समर्पित किया गया डेडिकेट किया गया गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को। अब उसका पहला वीर बाल दिवस का प्रोग्राम 26 दिसंबर को इसी स्टेडियम में जहां पर हम बैठे हैं त्यागराज नेशनल स्टेडियम में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जाएगा और उसमें प्रोग्राम में क्या कुछ होगा मैं आपको संक्षेप में जानकारी देना चाहता हूं। इस प्रोग्राम में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और अलग अलग मंत्रालय दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग के साथ एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद एक बच्चों की परेड निकलेगी झांकी के रूप में और वो इंडिया गेट की तरफ मार्च करेगी। इसी दौरान पूरे देश में साहबजादों का प्रचार और प्रसार किया जाए इसके लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम दिया है। उस प्रोग्राम की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। देश के लोगों को घर घर तक साहबजादों का इतिहास पहुंचे इस बात के लिए भारत के प्रधानमंत्री वचनबद्ध हैं और उनकी वचनबद्धता आपको इस प्रोग्राम किस शिद्दत के साथ तक देश के हर बुजुर्ग तक, देश की हर माता तक गुरु गोविंद सिंह जी के लालों का, साहबजादों का इतिहास पहुंचे, ये किस कदर कितने बड़े लेवल पे मास एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से 97 लाख टीचर्स, 15 लाख स्कूलों में 26 करोड़ 44 लाख बच्चों तक स्पेशल असेंबली लगाकर उसमें साहबजादों के इतिहास की जानकारी देंगे और इसी तरह एक विशेष 25 पहले कार्ड्स की एक प्रदर्शनी लगेगी और हर स्कूल को मैंडेटरी किया गया है कि अपनी स्पेशल असेंबली सेशन बुलाए और 15 के 15 लाख स्कूल, 97 लाख टीचर और 26 करोड़ 44 लाख बच्चों तक इस इतिहास को 26 दिसंबर से पहले पहले पहुंचाया जाए। इसी तरह हायर एजुकेशन द्वारा कॉलेजेस के अंदर डिजिटल और फिजिकल प्रदर्शनी लगेगी। इसी तरह देश के 7,083 रेलवे स्टेशन के ऊपर डिजिटली और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इसका प्रचार होगा। देश के 137 एयरपोर्ट के ऊपर इसका डिजिटली भी और फिजिकली भी और उनके भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उसके ऊपर प्रचार होगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा 8,000 जच्चा बच्चा केंद्र उनके ऊपर और जो ब्रेवरी अवार्ड्स हैं जो 26 जनवरी को दिए जाते हैं वो 26 दिसंबर को ऐलान किए जाएंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड द्वारा किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम द्वारा 67,600 सीएनजी और पेट्रोल पंप्स के ऊपर, सीएनजी पंप एंड पेट्रोल पंप्स के ऊपर इसकी डिजिटल और फिजिकल इसकी एग्जीबिशन लगाई जाएगी ताकि लोग वहां पे जो आए इससे प्रचार की जानकारी मिले उनको। देश भर के साथ साथ विदेशों में भी विदेश मंत्रालय 122 एम्बेसी और 110 काउंसलेट्स के अंदर 5 दिन की विशेष प्रदर्शनी लगाएंगे। ये डिजिटल भी होगी, ये फिजिकल भी होगी और जो उनके पास डेटा है उसको व्हाट्सएप पे और मैसेज के माध्यम से इस दिन की जानकारी देंगे और इस इतिहास की जानकारी देंगे। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से करोड़ों देशवासियों तक 164 वर्ड का जो घर घर तक जाएगा और प्री रिकॉर्डेड वॉइस कॉल और साथ में भारत के अनेकों मंत्री अपनी लैंग्वेज में एक वीडियो बनाकर डालेंगे ताकि वहां के लोगों को यह जानकारी दी सके। इसी तरह FM के ऊपर और नेशनल TV और दूरदर्शन के ऊपर निरंतर इसकी वीडियो और इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा अनेकों स्थानों के ऊपर इन्हीं प्रोग्राम्स को यूनिपोल्स के माध्यम से, उनके सेंटर्स के माध्यम से स्टेडियम्स के अंदर प्रदर्शनियां लगा के देश भर में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी इसका प्रचार और प्रसार करेगी। अब तक की देश में यह सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो देश के घर घर तक साहबजादों का इतिहास पहुंचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और हम सबको आमंत्रित भी करते हैं कि 26 तारीख को
इसी स्टेडियम में, ध्यानचंद स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम जो कि इंडिया गेट के ऊपर है, इसमें पहुंचकर इस प्रोग्राम के अंदर आप भी शिरकत करें और एक इतिहास का नया मकाम रचा जा रहा है उसका आप भी हिस्सा बने। और उसके बाद इस प्रोग्राम के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के स्कूलों की एक मार्च पास जो है वो इंडिया गेट की तरफ रवाना होगी। इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष सर हरमीत सिंह कालका जी जो विशेष सहयोग दे रहे हैं समागम के लिए, वो भी आपको एड्रेस करें और इस प्रोग्राम की जानकारी दें। धन्यवाद।